सुन रहे थे। इस दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है, कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सीडीएस सरावत भी मौजूद और 3 का रेस्क्यू कर दिया गया है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त दरअसल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कुन्नूर से, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इसके पीछे के क्या कुछ कारण होंगे जल्द ही आपको बताएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर कुन्नूर से आती हुई, सेना का एक हेलीकॉप्टर दरअसल क्रैश हो गया है। सीडीएस रावत ने वहां पर मौजूद वो थे और 3 का रेस्क्यू कर लिया गया है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त कुन्नूर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इसी के साथ साथ आपको जानकारी देते चले कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और सीडीएस रावत भी मौजूद वहां पर है। अहम जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको कुन्नूर से, जहां पर भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और दुर्घटनाग्रस्त की वजह से क्रैश वो हो गया। हालांकि 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बड़ी जानकारी कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और 3 लोगों को रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है। सीडीएस बिपिन रावत की भी मौजूदगी है, 3 जवानों के रेस्क्यू होने की जानकारी मिल पा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुन्नूर से, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर दरअसल क्रैश हो गया और ये धुआं भी उसी हेलीकॉप्टर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में हेलीकॉप्टर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 लोगों को, 3 सैनिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है और सीडीएस बिपिन रावत की भी मौजूदगी है। तस्वीरें धुंधली धुंधली थोड़ी धुएं की वजह से नजर आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सेना का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कुन्नूर में। दरअसल सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक कोहर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। इशफाक, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर सेना का क्रैश हुआ है, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास पूरी? देखिए बिल्कुल पूजा, ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक हो रही है कि आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है कुन्नूर तमिलनाडु के अंदर। और इस क्रैश के अंदर, इस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उसकी फैमिली भी थी। अगरचे अभी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी की तरफ से कोई खुलकर इस पर बात नहीं की गई है, लेकिन जो हाईली प्लेस सोर्सेज हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर है, ये जस्ट कंफर्मस, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि वो वेट करें जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि तकरीबन 14 लोग जो थे वो चॉपर के अंदर थे और उसमें सीडीएस बिपिन रावत जो उसका स्टाफ बताया जा रहा है 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। बिपिन रावत, उसका स्टाफ और फैमिली थी इस चॉपर के अंदर। MI सीरीज का ये चॉपर था जो क्रैश हो गया कोयंबटूर सलूर के आसपास के जगहों में, और वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो ही शुरू किया गया तो 3 लोगों को वहां से निकाला गया जिन्हें अस्पताल लोकली लिया गया है। 3 से 4 लोग जो है वो डेड वहां पर पाए गए, लेकिन अभी भी बड़े इलाके का अभी सर्च चल रहा है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को वहां पर ढूंढा जा रहा है। रावत से जुड़ी कोई अपडेट है क्या, वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं? सेना ने कोई जानकारी इसके बारे में दी है और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इसके पीछे का क्या कोई कारण बताया गया है अभी तक? देखिए अभी तक सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड इसमें नहीं रखा गया है कि आखिर क्यों ये हुआ। सिर्फ इतना ये कहा गया कि आर्मी चॉपर जो है वो नीलगिरी के पास जो है वो इमरजेंसी में उन्हें डाउन होना पड़ा जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया, जिसके बाद इमरजेंसी टीम स्पॉट पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 2 लोग ऑन बोर्ड जो थे वो सीरियस इंजरी उनकी थी, उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल लाया गया है। ये कंफर्म पहली खबर थी और उसके बाद बिल्कुल इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कोई बात सामने नहीं आ रही है। सिर्फ इतना कहा गया है ऑफिशियली कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक किसी तरीके से कोई खबर नहीं बताई जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर 14 लोगों के अभी तक मारे जाने की, 14 लोग इसके अंदर सवार थे इस हेलीकॉप्टर MI सीरीज के अंदर, जिनमें अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, ऐसी भी कोई जानकारी कहाँ ये हेलीकॉप्टर जाने वाला था, क्या था इसका गंतव्य स्थान?
बिल्कुल, ये MI सीरीज का जो हेलीकॉप्टर था ये एक लोकेशन जो सिरू के अंदर थी वहां से दूसरी लोकेशन की ओर जा रहा था जिस दौरान ये क्रैश हुआ है, और क्रैश क्यों हुआ है इसके लिए ऑर्डर जो है इन्वेस्टिगेशन के दे दिए गए। और अब ये भी खबर डेवलप हो रही है कि थोड़ी देर में जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर स्टेटमेंट आ सकता है। शायद इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है कि पार्लियामेंट इसके अंदर कोई स्टेटमेंट देगा, क्योंकि बड़ी खबर ये जो CDS के हवाले से डेवलप हो रही है ये एक बात इसमें है कि अगर बाकी तौर पर CDS इसके अंदर थे तो क्या वो जख्मी हुए हैं नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। और लगता है कि इसमें थोड़ी देर में कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से क्लियरेंस होगी। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि 14 लोगों के बारे में कंफर्म जो हो गया है, टोटल 14 लोग, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत, उसकी वाइफ, डिफेंस असिस्टेंट और सिक्योरिटी कमांडो जो थे इंडियन एयरफोर्स के, वो इस जहाज के अंदर थे। ये कंफर्म खबर हमारे पास, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टोटल 14 लोग जो थे उनमें चीफ ऑफ डिफेंस भी थे और उनके साथ उनकी दीदी भी थी, डिफेंस असिस्टेंट थे, सिक्योरिटी कमांडोज थे और इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऑन बोर्ड थे जब ये चॉपर जो है वो क्रैश हुआ है। और इस वक्त ये बड़ी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन बिपिन रावत और उसकी फैमिली के बारे में अभी भी आर्मी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि कोयंबटूर से सिलूर की ओर ये जहाज जा रहा था, MI हेलीकॉप्टर जा रहा था जो हादसे का शिकार हुआ है। चलिए इश्फाक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार इस पर अपडेट आप देते रहिएगा जैसे ही अपडेट्स और मिलती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दरअसल दिखा रहे हैं कुन्नूर में सेना का ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि CDS रावत की भी मौजूदगी थी और उनकी फैमिली भी इसमें थी। साथ ही जिस तरीके से हमारे सहयोगी इश्फाक ने आपको बताया कि 14 लोग ऐसे थे, उनमें से 3-4 लोगों को रेस्क्यू अभी कर लिया गया है और बाकी लोगों का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर देखिए, सेना का यह हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है और यह इलाका कुन्नूर का है। इसके पीछे का कोई कारण अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आई है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे का कारण क्या था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 3 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है जिस हिसाब से हमें जानकारी मिल पा रही है। और बड़ी खबर यह है कि CDS बिपिन रावत और उनकी फैमिली इस चॉपर में दरअसल मौजूद थी, उनसे जुड़ी अभी तक कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। साथ ही उनके डिफेंस असिस्टेंट उनके साथ मौजूद थे। जिस तरह से इश्फाक ने आपको बताया है कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसकी वजह से 14 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनमें से 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उन 3 लोगों को अस्पताल में भेजा गया है। और इसी के साथ साथ लगातार जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुन्नूर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस पे CDS बिपिन रावत की मौजूदगी दरअसल थी और उनकी फैमिली उनके साथ इसमें मौजूद थी। लेकिन 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकियों की अभी ज्यादा अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। अभी तक सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दरअसल सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में, इस चॉपर में CDS बिपिन रावत की मौजूदगी थी, वो इस चॉपर में मौजूद थे, उनकी वाइफ उनके साथ मौजूद थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी दरअसल चलाया जा रहा है, जो तमाम लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर कुन्नूर से आप देख पा रहे हैं जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर क्रैश किन वजहों से हुआ है ये वजह अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की अभी यही सामने अभी आ रही है कि CDS बिपिन रावत और उनकी फैमिली की मौजूदगी इसमें थी। ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा चॉपर जो है हेलीकॉप्टर चलता हुआ आग में नजर आ रहा है और 3 लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अभी तक सेना का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, लेकिन सभी को दरअसल इंतजार सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का।